लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज के कौमी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। शुरुआत करेंगे भारत जोड़ो यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इतवार के दिन महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर बाबा कौम के कत्ल का मसला उठाया और कहा कि नजरियात की जंग जारी है। साथ ही उन्होंने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील भी की। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह गांधी जी ने अंग्रेजों के राज के खिलाफ जंग लड़ी थी, आज हम इसी नज़रिए के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं जिसने गांधी जी को कत्ल किया था। इस नज़रिए ने पिछले 8 सालों के दौरान अदम मसवात तकसीम में इजाफा किया है और हमारी मुश्किल से हासिल की गई आज़ादी को जख्म पहुँचाया है। राहुल गांधी आज कर्नाटका से बदवनवालू में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद इस खड़ी गरम योग सेंटर पहुंचेंगे जहां महात्मा गांधी ने 1927 में दौरा किया था। बड़ी खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल रात 2 सड़क हादसों में 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताया जा रहा है। पहले हादसे में हफ्ते को बदियोना गांव के करीब मुसाफिरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से कम 26 लोगों की मौत हो गई। दूसरे हादसे में सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई जिसमें 5 लोगों की जान गई और 10 अफराद जख्मी हो गए। पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंदों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रॉली में तकरीबन 50 अफराद सवार थे और मरने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की माली इमदाद देने की अहदेदारों को हिदायत दी है। अगली खबर केरला से। कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी करने वाले शख्स को एक अदालत ने 142 साल कैद की सजा सुनाई है। इतनी लंबी सजा दुनिया के किसी मुल्क की अदालत ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान की रियासत केरला की अदालत ने सुनाई है। केरला की पॉस्को अदालत ने 10 साल लड़की को जिंसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को 142 साल कैद बा मशक्कत की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा ना करने की सूरत में मजीद 3 साल कैद भुगतनी होंगी। केरला के तिरुवाला के रहने वाले 40 साल आनंदन पीआर उर्फ बाबू ने 2 साल तक एक 10 साल लड़की के साथ जिंसी ज्यादती की जो इसके रिश्तेदार बताई गई है। इसने 2019 से 2021 के दौरान कई बार इसकी इस्मत रेजी की। लड़की का रिश्तेदार बाबू उनके घर में रहकर ही लड़की को निशाना बनाया करता था। लड़की घर में अपने साथ होने वाले जुल्म को नहीं बता सकी लेकिन जब आखिरकार मामला सामने आया तो माँ बाप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके चार्जशीट अदालत में पेश किया तो अदालत ने यह फैसला सुनाया। अगली खबर एक शातिर मुलजिम को लेकर। शातिर मुलजिमीन लोगों को धोखा देने के अनोखे तरीके तलाश करते हैं लेकिन मगरबी बंगाल के एक नौजवान ने जेवरात और नकद रकम लूट कर फरार होने की खातिर एक नहीं दो नहीं बल्कि 28 साल की उम्र में 24 शादियां की। पुलिस तफ्तीश के दौरान ये जानकर दंग रह गई कि 28 साल मुलजिम ने 24 खवातीन से शादियां की और उनके सोने के जेवरात और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में चंद साल पहले मगरबी बंगाल के सागर देखी के बिलिया इलाके की एक खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इसकी शादी एक नौजवान से हुई जो शादी के चंद दिन बाद इसके सोने के जेवरात लेकर भाग गया था। मुलजिम असाबुल को 2 दिन पहले पुलिस ने खातून की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान खुलासा हुआ कि इसने इसी खातून को नहीं बल्कि कई खवातीन को शादी के नाम पर धोखा दिया है। मुलजिम ने मगरबी बंगाल के अलावा बिहार में भी शादियां की थी। इसका मकसद शादी के बाद खवातीन के सोने के जेवरात चोरी करना था। वो खुद को यतीम बताकर दुल्हन वालों के घर में कुछ दिन गुजारता और इसके बाद फरार हो जाया करता। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कई नकली शनाख्ती कार्ड्स वगैरह भी बनाए थे। तो देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की खास खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।